मानसून सीजन में अकाल की स्थिति से उत्पादन प्रभावित होने से तिलहनी मांग के चलते खरीफ सीजन की मूंग, मूंगफली और कपास की फसलों के बाजार भाव समर्थन मूल्य से ऊपर है। राज्य सरकार की अनुशासन पर ही केंद्र सरकार ने मूंग और मूंगफली के समर्थन मूल्य की खरीद की अनुमति के साथ लक्ष्य आवंटित किया है, लेकिन अच्छी औसत गुणवत्ता की फसलों के समर्थन मूल्य से बाजार मूल्य अधिक होने के चलते समर्थन मूल्य खरीद के प्रति किसान ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे। मूंग का समर्थन मूल्य 7250 रुपए क्विंटल है, वहीं इसके बाजार में भाव इससे अधिक मिल रहे हैं। मूंगफली का समर्थन मूल्य 5550 रुपए प्रति क्विंटल है, वहीं बाजार में इसका मूल्य 5800 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक है। इसी प्रकार कपास का मूल्य भी 6025 रुपए क्विंटल की अपेक्षा 8400 रुपए क्विंटल जो है किसानों को मिल रहा है। जोधपुर जिले में इस बार 2,80,000 हेक्टेयर में मूंग और 1,58,000 हेक्टेयर में मूंगफली की बुआई हुई थी। अकाल के कारण मूंग और कपास का उत्पादन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिससे उत्पादन घटने से इनका बाजार तेज है। वहीं मूंगफली का सामान्य उत्पादन निकलने के बावजूद तिलहनी फसलों की मांग अधिक होने से मूंगफली का बाजार भी समर्थन मूल्य से अधिक है। भारतीय किसान संघ के प्रांत अध्यक्षों की माने तो बाजार में समर्थन मूल्य से ज्यादा दाम मिलने के कारण किसान सरकारी खरीद केंद्रों पर रुचि नहीं दिखा रहे। प्रदेश में मूंग और मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए अधिसूचना जारी हुई है, लेकिन फसल कटाई के समय बरसात से मूंग का कलर बिगड़ने के चलते उसकी खरीद नहीं की जा रही। किसानों के पास उपलब्ध मूंग में गुणवत्ता की शिथिलता देखकर खरीद की जाए तो किसानों को लाभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।